परमेश्वर का नया वादा। एगो स्वर्गदूत एगो जवान लड़की मरियम से कहले कि तू परमेश्वर के बेटा के जन्म देबू। उ अबही कुमार रहनी, लेकिन पवित्र आत्मा उनकरी पास आईले औरी उ गर्भवती हो गईली। उ एगो बेटा के जन्म दिहली जेकर नाम यीशु रखली। यही से यीशु परमेश्वर औरी आदमी दोनों बाड़े। यीशु बहुत चमत्कार कैलन जेवन दिखावत बानी जा कि उ परमेश्वर बाड़े। उ पानी पर चलले औरी आंधी के शांत कैलन। उ बहुते बीमार लोगन के चंगा कैलन औरी बहुते लोगन में से दुष्टात्मा के निकलले। उ मुवल लोगन में से जिंदा क दिहले औरी 5 गो रोटी औरी 2 गो मछली से 5,000 लोगन के खियावे के खातिर अधिका भोजन में बदल दिहले। यीशु एगो महान शिक्षक रहले जेवन कुछ उ सिखौले उ सिद्धत के साथ सिखौले। उ जेवन लोगन से करे खातिर कहले उ सबके करे के चाही, काहे से कि उ परमेश्वर का बेटा रहले। जैसे कि उ सिखौले कि तोहन लोग के दूसरी लोगन के वही रीति से प्रेम करे के जरूरत बा, जैसे कि तोहन लोग अपना आप से प्रेम करेला जा। उ इहो सिखौले कि तोहन लोग के सब चीज अधिक औरी अपनी संपत्ति से भी अधिका परमेश्वर के प्रेम करे के चाही। यीशु कहले कि दुनिया में केवनो भी चीज के पावे के खातिर अधिका अच्छा बाकी परमेश्वर के राज में भइल। उनकरी राज में तोहन लोग के जाए के खातिर जरूरी बाकी परमेश्वर तोहन लोगन के पाप से बचाई हैं। यीशु कहलन कि कुछ लोग उनके ग्रहण करिहन परमेश्वर उ लोग के बचाइहन, लेकिन दूसर लोग उनके ग्रहण ना करिहें। उ इहो भी कहलन कि कुछ लोग अच्छा जमीन के समान बा, काहे से कि यीशु के बारे में शुभ संदेश के स्वीकार कर लेले और परमेश्वर उ लोगन के बचावेलन। लेकिन कुछ लोग रास्ता के कठोर जमीन के जैसन बाड़े, परमेश्वर का वचन बीज के जैसन रास्ता पर गिरेला, लेकिन उहवा कुछु ना जमेला। ई लोग यीशु के बारे में संदेश के अस्वीकार कर देले। उ लोग उनकरी राज में गैला से इनकार कर देले। यीशु सिखौले कि परमेश्वर पापियन से बहुते प्रेम करेले। उ ओ लोगन के क्षमा कैल चाहत बाने औरी उ लोग के अपन संतान बनावल चाहत बाने। यीशु इहो बतैले कि परमेश्वर पाप से घृणा करेले, काहे से कि आदम औरी हवा पाप कैलन, यही से उनकर कुल पीढ़ी भी पाप कैलस। ये दुनिया में रहे वाला हर एक जन पाप करेला औरी परमेश्वर से दूर हो जाला। हर एक जन परमेश्वर का दुश्मन बा, लेकिन परमेश्वर इस दुनिया में रहे वाला हर एक जना से यही तरह से प्रेम करेले। उ अपने एक ही बेटा के दे दिहलन ताकि परमेश्वर उ लोग के दंड ना द। जे केहू उनकरी पर विश्वास करी एकरी बदले उ उनकरी साथ हमेशा खातिर रहन। तोहन लोग मुवला जोग बाड़ा जा, काहे से कि तोहन लोग पाप कैले बाड़ा जा। तोहन लोग से परमेश्वर का गुस्सा भइल उचित बा। एकरी अलावा उ यीशु पर गुस्सा भइलन। उ लोग यीशु के क्रूस के मौत देके दंड दिहले। यीशु कबो ना पाप कैलन, लेकिन उ परमेश्वर के उनके दंड देवे दिहलन। उ मर जाए स्वीकार कैलन। यही तरह से तोहन लोग भी पाप के औरी ये दुनिया में रहे वाला हर एक जना के पाप के उठा लेवे के खातिर उ एगो सिद्ध बलिदान रहले। यीशु अपनी आप के परमेश्वर के खातिर बलिदान हो गइलन। यही से परमेश्वर केवनो भी पाप के इहा तकले की भयंकर पाप के भी क्षमा करेलन। भले ही यदि तोहन लोग बहुते अच्छा काम करत होइबा जा तो एकरी द्वारा परमेश्वर तोहके ना बचाइहन। उनकर दोस्त बने के खातिर ऐसन कुछ भी नइखे
जेवन तू कर सकत बाड़ा। एकरी अलावा तुहन लोग के विश्वास करे के पड़ी कि यीशु परमेश्वर के बेटा बाड़े और उ तुहन लोग के बदले में क्रूस पर मर गईलन और इहो कि परमेश्वर उनके फिर से जिंदा कर दिहलन। यदि तुहन लोग ए पर विश्वास करवा जाता परमेश्वर तुहन लोग के पाप के क्षमा कर दिहन। परमेश्वर ओ हर एक जना के बचाईहन जे यीशु पर विश्वास करेला और उनके अपन प्रभु स्वीकार करेला, लेकिन वो लोगन के ना बचाईहन जे उनकरी पर ना विश्वास करेला। ई क्योंनो मतलब नइखे कि तू अमीर बाड़ा या गरीब बाड़ा, आदमी रहे या औरत रहे, बूढ़ रहे या जवान रहे, या तू कहीं रहा, परमेश्वर तोसे प्रेम करेले और चाहत बाने कि तुहन लोग यीशु पर विश्वास करा जा कि उ तुहन लोग का दोस्त बन जा। यीशु तुहन लोग के बुलावत बाने कि उन पर विश्वास करा जा और बपतिस्मा ला जा। का तुहन लोग विश्वास करत बाड़ा जा कि परमेश्वर का एक ही बेटा यीशु ही मसीह बाड़े? का तू विश्वास करत बाड़ा कि तू एगो पापी बाड़ा और इहो कि तू परमेश्वर के द्वारा तोहके दंडित कईला के योग्य बाड़ा? का तू विश्वास करत बाड़ा कि तोहरी पाप के मिटावे के खातिर यीशु क्रूस पर मुअले? यदि तोहन लोग यीशु पर और जीवन उ तोहन लोग के खातिर कैले बाड़े ओ पर विश्वास करत बाड़ा जा तो तोहन लोग एगो मसीही बाड़ा। शैतान अपनी अंधकार के राज्य में अब तुहन लोग पर शासन ना करत बा, अब परमेश्वर अपनी प्रकाश के राज्य में तुहन लोग पर शासन करत बाड़े। उ तुहन लोग के पाप करे से रोक दिहलन जेवना के तुहन लोग करत रहला जा। उ तुहन लोग के एगो नया बढ़िया जीवन दिहले हा। यदि तू एगो मसीही हुआ त जेवन यीशु कैलन हा ओकरी कारण परमेश्वर तोहरी पाप के क्षमा कर दिहलन हा। अब परमेश्वर एगो दुश्मन की अलावा तोहन लोग के एगो गहरा दोस्त मानत बाणे। यदि तोहन लोग परमेश्वर का दोस्त बाड़ा जाता और प्रभु यीशु का सेवक बाड़ा जाता तोहन लोग वो बात के पालन करे का इच्छा रखबा जा जेवन यीशु तोहन लोग के सिखावत बाने। भले ही तू लोग एगो मसीही बाड़ा, शैतान अबो भी पाप करे के खातिर तोहन लोग का परीक्षा ले, लेकिन परमेश्वर हमेशा उ करे ले जेवन की उ कहे ले कि उ करिहे। उ कहे ले कि यदि तू अपनी पाप के मान ले बा तो उ तोहके क्षमा कर दीहन, उ तोहके पाप की विरुद्ध लड़े खातिर सामर्थ दीहन। परमेश्वर तोहके प्रार्थना करे और उनकरी वचन के पढ़े के कहत बाड़न। उ तोहके दूसर विश्वासी के साथे मिल के उनकर आराधना करे खातिर भी कहत बाड़े। तुहन लोग के दूसरा के भी बतावे के बाकी उ तुहन लोग के खातिर का कैले बाने। यदि तुहन लोग इस सब काम के करवा जाता तुहन लोग उनकर एगो पक्का दोस्त बन जेबा जा। रोमियो 3:21-26, 5:1-11, यहुन्ना 3:16, मरकुस 16:16, कुलुसियो 1:13-14, दूसरा कुरिन्थियो 5:17-21, पहला यहुन्ना 1:5-10 से एगो बाइबिल का हिस्सा।